नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1, 2, 3 और 4 मई के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। सातवीं राशि लेते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि। 1 मई के दिन आप काफी खुश रहेंगे और आपके परिवार में भी खुशियों का वातावरण बना रहेगा। इस दिन अंदर से आपके अंदर फुलफिलमेंट आएगा, किसी योजना के पूरे होने की खुशी भी आपको हो सकती है या किसी बहुप्रतीक्षित चीज के मिलने से आपको जो खुशी मिले वो खुशी आप इस दिन फील कर सकते हैं। परिवार के साथ एक अच्छा समय बीतेगा, परिवार के लोग आप पर बहुत विश्वास करेंगे और आपके साथ जो भी व्यक्ति इस दिन रहेगा उसे खुशी जरूर मिलेगी। यानी आपके आसपास आते ही लोगों का मन परिवर्तित हो जाएगा और उनको एक अलग सी प्रसन्नता का एहसास होगा और इसी प्रसन्नता का आभास आपको भी सारा दिन होता रहेगा। 2 मई के दिन आपके व्यवहार में थोड़ा सा रूखापन रहेगा। आप किसी बात को लेकर के अगर नाराज हो गए तो ये नाराजगी थोड़ा सा लंबे समय तक भी चल सकती है। कोशिश करिएगा कि इस दिन आप अपनी भावनाएं दूसरों को ज़्यादा व्यक्त ना करें। अगर आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा छिपा पाएंगे तो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि दूसरे लोग आपके बारे में वो बातें नहीं जान पाएंगे जो आप एक्चुअली में नहीं चाहते कि लोग जानें। लेकिन अगर आपने अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं किया तो आपके कई सारे सीक्रेट्स दूसरों को पता चल सकते हैं, जिन्हें भावावेश में आकर के आप स्वयं ही बता दें। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा परिवार के लोगों पर अनायास अपनी धौंस जमाने की कोशिश ना करिएगा। यदि परिवार के लोग कुछ स्वच्छंदता चाहते हैं, थोड़ी सी छूट चाहते हैं और आप उन्हें वो छूट देते हैं तो इससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी। 3 मई के दिन आप इन्फ्लुएंसर पर्सन की तरह से रहेंगे। अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को आप इन्फ्लुएंस करते हैं तो उससे अपना काम बना सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस खुद को करें, क्योंकि इससे आप अपनी आदतों में सुधार भी कर सकते हैं और कुछ नई अच्छी आदतों को अचीव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा रिस्क लेने के लिए 3 मई का दिन बहुत शुभ है, बढ़िया है। इस दिन आप कुछ ऐसे मामलों पर काम कर सकते हैं जिन्हें अभी तक आपने पेंडिंग छोड़ रखा था, क्योंकि इस दिन आपको वो करने की आज़ादी मिलेगी जो प्रायः आपका नेचर नहीं था। अपने स्वभाव से विपरीत जाकर के भी आप मेहनत करके अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। 4 मई के दिन परिवार को लेकर के थोड़ा सा चिंतित और व्यथित भी रहेंगे। परिवार के मामले में आपकी चिंता और व्यथा का कारण परिवार के लोग ज़्यादा न होकर के आप ही होंगे। आपको अपने व्यवहार में आमूलचूल थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। धन को लेकर के आप अपनी सोच को अगर परिवर्तित करें तो ये बड़ा बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर भी धन को और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में सोच विचार करने के लिए 4 तारीख सबसे उपयुक्त दिन है। परिवार की ओर से कुछ शुभ संकेत, कुछ शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। ओवरऑल इन 4 दिनों में से 2 तारीख बहुत अच्छा नहीं है प्रेम संबंधों के लिए, बाकी 3 दिन बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया दिन प्रेम संबंधों के लिए 1 मई का है। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 1, 2, 3 और 4 मई के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।